तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं जो कि मैं तो कभी भी ट्राई करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई मुझे एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई पे जाने के बाद मेरी जो है फटने लग जाती है, वहां से मुझे चक्कर आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी आज हम उस डर के ऊपर हावी होने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं पैरा सेलिंग। जी हाँ गाइस, और वो होने वाली है एक तरफ ये देखो गाड़ी, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी है और इस गाड़ी से एक रस्सा बंधा हुआ है जो कि काफी दूरी तक वहां पर है, और वहां पर है एक बहुत ही बड़ा कमाल का पैराशूट जिसकी मदद से हम ऊपर आकाश में उड़ने वाले हैं, वो भी पूरे 200 फीट की ऊंचाई तक। और मुझे नहीं पता कि मेरे जो रिएक्शन है वो कैसे होने वाले हैं, और मेरे साथ साथ अपनी टीम है वो सब भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और उसका जो रास्ता है वो यहाँ पर इतना लंबा है। गाइज यहाँ पर जो बंदा होता है उसे बैठना होता है, उसके बाद के अंदर हवा की दिशा को देखते हुए गाड़ी को चलाया जाता है, फिर पैराशूट फूल जाता है, वो बंदे को लेकर ऊपर उड़ता है और मजा आता है। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर मेरी जो रिएक्शन है वो इस चीज़ के अंदर कैसी रहती है। भले ही मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन डर लगता है मुझे ऊंचाई से, सही में डर लगता है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1 मिलियन लाइक्स, फटाफट से अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज यार शुरुआत के अंदर हमें ये एक सेफ्टी जैकेट की तरह ही है इसे पहनना होता है ताकि अपन जो है वो नीचे ना गिरे। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसे पहनना होता है और पहनाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्लिप्स हैं। हवा अभी सूरज की दिशा में, मतलब कि उधर सूरज है और उसी दिशा के अंदर है, और आप देख सकते हैं कि ये रहा पैरा शूट। और अभी अपन जो है पैराशूट के साथ में अटैच होने वाले हैं और साथ साथ हेलमेट पहन लेते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि अगर गिर भी जाए तो ऐसे हेलमेट से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी पहन लेते हैं यार, पहनने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। हेलमेट बहुत जोरदार है भाई लोगों का, लेकिन फिर भी पहन लेते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, वेंचर दौड़ते क्या डर लग रहा है, उड़ते क्या पता है, ऊंचाई से अपने वैसे ही डर लगता है, डर के आगे जीते। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से गाइस, इस तरीके से अपने को पकड़ना होता है। बोलो की टांग वाट लग गई। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया रे, डर लग रहा रे बारे। लग रहा बहुत भयंकर, अरे मोरी मैया रे, चक्कर आ रहे मेरे को। ओ लेकिन गाइस साथ ही साथ थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा है यार, मजा आ रहा है, डर भी लग रहा भाई। वो बंदा जो था ना यार, गाइस 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन लैंड करा दो भाई, 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। वो बंदा सही कह रहा था भैया, डर लगता है इसके अंदर। ओह हाथ पैर कांप रहे मेरे, अरे मोरी मैया। लेकिन लेकिन गाइस गाइस, ओ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए मैंने ये रिस्क उठाई है। ओ माय गॉड, भैया डर तो लगता है यार, गांड फटती है इतनी ऊंचाई पर रहता है ना तब। अब पता नहीं लैंडिंग कैसे होगी, मुझे तो आसपास में कोई दिख ही नहीं रहा, पीछे फॉर्च्यूनर आ रही है लेकिन लैंड कैसे करेंगे उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है।
अटक गया हूँ। रुपए डॉलर जैसा आ रहा है। धीरे धीरे जो पैराशूट है वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है और बंदे भागते हुए आ रहे हैं मुझे कैच करने के लिए। आ जा अबे जिंदा आ गया। कैसा लग रहा है? अबे जिंदा आ गया, जिंदा। ओ भाई, अरे भैया बहुत जोरदार था, मजा आ गया, लेकिन कुछ इस बात के सबसे ज्यादा कि जिंदा आ गया मेरे वन पीस में, सिंगल पीस में नीचे। अबे कुछ ऊपर झटके लगते हैं ऐसे 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 ऐसे। अरे नहीं, वो ऐसे ऐसे होता है ना, तब ज्यादा डर लगता है पकड़। बाकी मजा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है जब अपन अपना फोकस है ना कैमरे के ऊपर रखते हैं ना, तब और भी ज्यादा अपने को चक्कर आते हैं। लेकिन मजा आया, तुम लोग ट्राई करो, तुम वीडियो पे कम ध्यान देना और राइड पे ज्यादा ध्यान देना, यकीन मानो मजा आएगा। ओए कौन ट्राई कर रहा है? आ जा भाई, मस्त चीज है यार, मैं ट्राई करने वाला हूं। मस्त चीज है, बस थोड़ा सा सेफ्टी से बकल वकल का ध्यान रखना होता है कि भैया जो बकल वकल अपन ने पहने वो सही से पहने या फिर नहीं। अभी ये ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि जो नजारा है वो कैसा आता है। तो गाइस यार, इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं भाई इसमें कितना मजा आता है, कितने ऊपर तक लेके जाती है और जो कुछ भी होता है। तो गाइस यार, मेरे पास GoPro है और एक हेलमेट है और बाकी का सामान वहाँ है, जिसे आराम से पहनते हैं और सेफ्टी के साथ आसमान में चलते हैं। तो चलो आ जाओ, मैं चलूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो गाइस अभी मैं आसमान में हूँ, आप देख सकते हैं कि ओ कितना ऊपर हूँ मैं, और भाई थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार इतने ऊपर से आया हूँ मैं, इसलिए इंचकोले आ रहे हैं बहुत भयंकर से। अभी मुझे पता है कि वो कैसा फील कर रहा होगा भैया, जब झटके लगते हैं ना तो पड़ती है बहुत खतरनाक। अबे पकड़ प्रताप, अबे जल्दी आ जा। ये पैर नीचे रखना, खड़े रहो भैया, खड़े रहो। जिंदा बच के आ गया, बच के मजा आ गया यार, बहुत खतरनाक डर लगा था। चलो चिल चे, ये तो कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी आखिरी ख्वाहिश, चलो यहीं से भिजवा देता आपको। चलो चल चल, ओ चल चला, मैं चल चला तेरी। टाइटेनियम मार में लाइक तो बनता है। नीचे लैंडिंग, ये आ गए अपन नीचे। बाबा पहले गए भैया, मैं अब नहीं बैठूंगा। A few moments later. Guys, इस बार जो है विक्रम यानी कि मोटा आ रहा है, और मोटे का पता नहीं भैया वो पैराशूट वजन उठा पाएगा या फिर नहीं उठा पाएगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। मोटे को कैच करने के लिए हम इतने सारे जनों की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा गाइस वहां से फ्लाइट लेने वाला है अभी। गाइस वजन तो उठा लिया पैराशूट ने, इतना ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा मोटा ऊपर, वजन नीचे ला रहा है इनको वापस। भैया कहा हम 50-50 किलो 60-60 किलो के, कहा 100 किलो का एक ही बंदा, वो तो नीचे जा रहा वहीं से। भाई मजा आ गया भाई जिंदगी में तो। ये आप देख सकते हो भाई लोगों, इतना मजा आ रहा है यार, क्या फील हो रहा कसम से। ये आप देख सकते हो पूरी टीम नीचे इंतजार कर रही है मेरा। ये अब आप तेज चल गई, मोटर नीचे नहीं आ रहा, बोल रहा है भाई तो उतार दो। आई लैंड करा दे पल भाई मेरे, जो इसमें आया।
मोटे की हालत खराब हो गई जब वो लैंड ही नहीं कर रहा था तब लैंड ही नहीं हो रहा भाई ये तो खत्म ये तो एक्सपीरियंस मुझे डर लगा क्योंकि मैंने पहली बार राइड की थी लेकिन उतना भी नहीं था। हाँ ये था कि मज़ा आया लेकिन ध्यान मेरा पे वीडियो के अंदर था, वीडियो कैमरा पे फोकस था तो मैं इतना मज़ा नहीं ले पाया। इन लोगों ने फुल मज़ा लिया, वीरेंद्र को डर नहीं लगा, गिरिराज को नहीं लगा, दिनेश को थोड़ा लगा, विक्रम को लास्ट में लगा। तो ये थे हम सबके एक्सपीरियंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।